अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो रामायण में हनुमान जी का बाल जो निकल रहा है, इसकी घटना आपको कहाँ से पता चली? देखिए, मेरे एक फ्रेंड का फोन आया था मेरे पास कि आज रामायण में ऐसी घटना घट रही है कि हनुमान जी का बाल निकल रहा है, तो उसी के बाद मैंने घर पे चेक किया था। अच्छा, रामायण तो बहुत पढ़ लो की हजार बंदे करीबन, तो उसमें किस जगह पर निकल रहा है कुछ आइडिया? हाँ बिल्कुल, ये चमत्कार ही है कि रामायण के चार पांच, ये मान के चले कि फ्रंट के 7 पेज में से निकल ही जा रहा है, 5-7 पेज के अंदर ही निकल रहा है, उधर आपको पूरी रामायण खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब 7 पेज में हनुमान जी का बाल निकल रहा है जी, तो मतलब इसको आप आस्था मानेंगे? जी हाँ, मेरे लिए तो हनुमान जी का आशीर्वाद है आज। अच्छा, ये बात भी है कि हमारे जो घर में रामायण रखी होती है वो तो काफी समय से रखी हुई, तो उसमें बाल आने का तो कोई औचित्य नहीं है, मतलब आया है तो कोई ना कोई चमत्कार जरूर है। देखिए, हम हिंदू हैं और हमारे लिए रामायण एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, तो उसमें बाल होना तो रख ही नहीं सकते। और चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक आदमी हो सकता है, अभी हमारे गांव में 10 से 12 रामायण में हम लोग चेक कर चुके हैं, तो चौथे या पांचवे पेज में बाल मिला है और बाल सेम है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि कुछ सुनने में आ रहा है कि जो बाल निकल रहा है इसको पानी में डालकर जल के रूप में ग्रहण करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, क्या आप मानते हैं इसको? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि बचा जा सकता है नहीं बचा जा सकता, लेकिन इतना है, मैं हिंदू हूँ तो मेरी आस्था है, तो मैं जो प्रोसेस होती है कि भाई उसको चरणामृत के रूप में ग्रहण किया है तो किया है। तो आपने जल ग्रहण किया है जी? अच्छा, यहाँ पर सभी लोग उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, इनने भी क्या जल ग्रहण किया है?